मेहता का उल्टा चश्मा। फटाफट ये डिब्बा भेड़े को दे देता हूँ। एक मिनट, डिब्बा में ऐसे कैसे लेके जा रहा हूँ? सोसाइटी में किसी ने देख लिया तो? सब्जी का थैला। ये डिब्बे क्या हुआ? ऐसे दबे पांव का ही आ रहा है? नहीं नहीं तो चाचा जी आप? हाँ मैं। इस थैले में क्या है? सोना चांदी है। आपको कैसे पता चला? मतलब है यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में चाचा जी को सोने के बारे में कैसे बताऊं? कहीं बात फैल गई और उड़ती हुई किसी चोर तक पहुंच गई तो? हे भगवान, सॉरी, झूठ बोलना पड़ेगा। खड़ा किया है, जवाब दे। क्या है इस थैले में? सब्जियां हैं। वैसे चाचा जी एक बात पूछो, आपको ऐसा क्यों लगा कि इसमें सोना है? अरे तू जैसे इस थैले को सीने से चिपका के दबे पांव जा रहा था, मुझे क्या, किसी को भी ऐसा लगेगा ना कि इसमें कोई कीमती चीज है। और अगर कोई चोर देख लेगा ना तो उसे भी ऐसा ही लगेगा कि इसमें कीमती चीज है, ये थैला चुरा के भाग जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो? अब ठीक है, और नीचे कर। हाँ अब बराबर। वैसे डिब्बे, तू सुबह सुबह ये सब्जियां लेकर इस तरफ कहाँ जा रहा है? वो अब चाचा जी, मुझे वो ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाना है, पता नहीं वापस कब आऊंगा। और तो ये सब्जियां घर पे रखी रखी खराब हो जाएगी, तो मैंने सोचा भीड़े को दे देता हूँ, उसे काम आ जाएगी। तो भाई ऐसी बात है तो ये सब्जियां किसी जरूरतमंद को दे दे, तू पुण्य कमाएगा, तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। चाचा जी इतने सुबह सुबह जरूरतमंद कहाँ मिलेगा? ला मुझे दे। अरे चाचा जी आपका जरूरतमंद है, भगवान का दिया सब कुछ तो है आपके पास। डिब्बे मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं मंदिर जा रहा हूँ तो वहाँ पे किसी जरूरतमंद को ये दान कर दूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ। मुझे चाचा जी अरे छोड़ क्या रहे? चाचा जी अरे छोड़ बोल रहा हूँ। चाचा जी ये दान में नहीं दे सकते। क्यों? क्यों? अरे चाचा जी समझिए ना, देखिए चाचा जी ये थैला मैं आपको दूंगा, आप किसी गरीब को देंगे, वो गरीब आपको आशीर्वाद देगा, फिर वो आशीर्वाद आप मुझे देंगे, तो वो आशीर्वाद मुझ तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा है मैं डायरेक्टली किसी गरीब को दे दूंगा और आशीर्वाद ले लूंगा। यही ठीक रहेगा, चलता हूँ। हाँ हाँ आज चाचा जी मान गए, अभी फटाफट भीड़े को देख के आता हूँ। अनुज भाई, जयेश भाई, राजेश भाई, अरे बाप रे आज तो बहुत सारी डिलीवरी करनी है, जल्दी निकलना ही पड़ेगा। माधवी, ओ माधवी, ये क्या तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे मैं डिलीवरी करने जा रहा है ना, लेट हो रहा है। ये चाय बनवाने से पहले सोचना चाहिए था ना, सुबह से छोटे छोटे कामों में अटका के रखा है मुझे, कैसे तैयार हूँ मैं? और आप भी तो तैयार नहीं है। अरे मुझे तैयार होने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा मैं, टाइम तुम्हें लगता है। जाओ जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। गेड़ा रखा था। और हाँ सोनू का है? सोई है। या यही प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों का, रात भर मोबाइल में टाइम पास करते और सुबह देर तक सोते। अरे हमारे जमाने में जब सूरज का उदय होता था वहां पे वो आसमान में निकलते थे और यहाँ पे हम जागते। तुम कब आए? अभी जब भी तुम हवा में अकेले अकेले बड़बड़ कर रहे थे। अरे मैं अकेले हवा में बड़बड़ नहीं कर रहा था भाई, माधवी से बात कर रहा था, पता नहीं वो कब चली गई। हाँ बोलो कैसे आना हुआ? गप्पे लड़ाने आया हूँ। पोपट लाल गप्पे मारने तो रात को मिलते, अभी बिल्कुल टाइम नहीं, मुझे बहुत काम है। अच्छा ये पोपट लाल दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? भीड़े, भीड़े, भीड़े,
पे बहुत जरूरी काम है, तू यहाँ बैठ और मेरी बात सुन। हाँ मैं सुनता हूँ, लेकिन दरवाजा क्यों बंद किया? बात गोपनीय है। गोपनीय? गोपनीय मतलब सीक्रेट। शिक्षक होकर इतना नहीं समझता? अरे वो पता है रे बाबा, लेकिन ऐसी क्या बात है जो गोपनीय है? बताना तो ये बता, इस वक्त तू घर पर अकेला है ना? नहीं, मैं हूँ, माधवी है, सोनू है। अरे मतलब बाहर वाला और कोई नहीं है ना? है ना? कौन? तुम? अरे तुझे, मुझे, माधवी भाभी और सोनू को छोड़कर इस घर में इस वक्त कोई और है? नहीं कोई नहीं। तुम इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो भाई, बताओ ना बात क्या है? मुझे टेंशन हो रहा है पोपटलाल। बताता हूँ बताता हूँ, इसमें सोना है। क्या है? इसमें सोना है। इसमें सोना है? हाँ। अरे क्या फालतू टाइम पास कर रहे हो पोपटलाल? मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, इसमें कोई कैसे सो सकता है? तुम सोके दिखाओ। अरे सो, अरे सोना मतलब सोना, गोल्ड गोल्ड, असली सोना। बरोबर है पोपटलाल, आजकल एक मिडिल क्लास आदमी के लिए इतनी सारी सब्जियां एक साथ खरीदना मतलब सोना खरीदने जैसा ही है। बिल्कुल, महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे तू ऐसे नहीं समझेगा, इसमें असली सोने का बॉक्स ही है, उसे छुपाने के लिए मैंने ऊपर से सब्जियां सजा के रखी है ताकि किसी को शक ना हो कि इसमें सोना है। एक मिनट, तू क्या है भिड़े, मुझे अभी अभी रिपोर्टिंग के काम के लिए बाहर जाना है, आने में रात हो जाएगी, तब तक तू इसे संभाल के अपने पास अपने घर पर रख लेना प्लीज। नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे हो पोपटलाल? नहीं नहीं, मैं इतना सारा सोना अपने पास नहीं रख सकता। भेड़े भाई, तू बात को समझने की कोशिश कर, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे घर खाली रहेगा, ये सारा सोना चोरी हो गया तो ये सब मेरे होने वाली पत्नी की अमानत है, उसे मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए प्लीज दोस्त, मेरे आने तक ये सारा सोना अपने पास अपने घर पर रख ले प्लीज। पोपटलाल सोसाइटी में इतने सारे मेंबर्स हैं, ये सोना तुम मेरे घर पे क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि सोसाइटी में तुझसे ज्यादा जिम्मेदार और कोई नहीं, एक तू ही है जिस पर मैं आंख मूंद कर विश्वास कर सकता हूँ। भिड़े तू ही बता, तू ही सोसाइटी का सेक्रेटरी क्यों है? क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अगर तू एक जिम्मेदारी लेता है तो आखिरी सांस तक उसे निभाता है, परिवार वाले, लेकिन इस परिवार का तू मुखिया है भिड़े, मुखिया। मेरी अमानत संभालने वाला तुझसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। देख भिड़े, मैं मानता हूं कि कभी कभी सोसाइटी के कामों को लेकर मैं तुझ पर गुस्सा होता हूं, क्या है पत्रकार हो ना, स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि तू हीरा है, हीरा, असली हीरा। प्लीज दोस्त, इसे रख लेना। बस बस पोपटलाल बस, आज से सोना मेरा है? मतलब इस सोने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ। चाहे आंधी आए या तूफान आए पोपटलाल, इस सोने का एक तार भी बाका नहीं होगा। अरे वाह, थैंक यू बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तुम बेफिक्र होकर जाओ दोस्त, तुम्हारा सोना मेरे पास सुरक्षित रहेगा। अरे वाह, मेरे आने तक तुमने इसे सुरक्षित रखा ना, तो ये सारा सोना भाभी को मिलेगा। भाभी को? अरे भाभी को मतलब तुम्हारी होने वाली भाभी को, मेरी पत्नी को। चल भाई, अब मैं निकलता हूँ। अरे हाँ भिड़े, भाई इसका ध्यान रखना, इसे संभाल के रखना दोस्त। अरे पोपटलाल, ये सोना है, बेटी थोड़ी है जिसकी विदा पे इतना इमोशन हो रहे हो तुम। तो तुम जानते हो ना मेरे लिए कितना जरूरी है, इसलिए बोला मैं। तो मुझे पता है, मुझे तू संभाल के रखेगा। ये टूटे थे कड़ी तूस लावली ना? अरे हाँ। अरे हाँ भिड़े, इसके बारे में किसी को बताना मत। हाँ, मेरी चाय ठंडी कर दी पूरी। अभी कौन आया होगा? क्या हुआ? ये सोना वापस क्यों लेके जा रहे हो? सोना इसमें ही है? हाँ।
मैंने कहा कोई और होगा इसलिए मैंने इसी में छुपाया। अरे वाह 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 बेटे, वेरी गुड, तुझसे यही उम्मीद थी। एक काम कर, इसको संभाल के अपने पास रख, इसको संभाल के अपने पास रख। तुम वापस क्यों आए थे? ओ सब्जी भूल गया था ना, वो लेने आया था। ओके चलना। पोपटलाल भी कमाल है, ये सोने के लिए इतना खर्चा किया लेकिन चार सब्जियां नहीं छूटी इससे। हेलो, हाँ बोलिए त्यागी जी। हाँ मैं कल आके डिलीवरी कर दूंगा। हाँ पक्का पक्का। अरे वाह, किसका डिब्बा है, क्या है इसमें? इसमें सोने के गहने हैं। सॉरी क्या? आप इतने अच्छे हैं। सॉरी, मैं इतनी बुद्धू हूँ कि मैं हमेशा आपको ऐसे कंजूस समझती थी, लेकिन आपने ऐसे पाई जोड़कर मेरे लिए गहने बनवाए। माधवी, कंट्रोल करो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, ये गहने तुम्हारे नहीं हैं। तो किसके लिए बनवाए? बनवाए? अरे माधवी, ये गहने पोपटलाल के हैं, उसने अपनी होने वाली बीवी के लिए बनवाए हैं। वो भी बाहर गया है ना, इसलिए हमारे पास सुरक्षित रखने के लिए दिए हैं। शिक्षक हो लेकिन ना आपको पोपट बहुजी से कुछ सीखना चाहिए। मुझे पोपटलाल से क्या सीखना चाहिए? पोपट बहुजी ने उनकी होने वाली बीवी के लिए इतने सारे गहने बनवाए, कितनी फिक्र है उनको उनकी खुशी की। और यहाँ देखिए। अरे कोई फिक्र दिक्कत नहीं है माधवी, सिंपल गणित है ये। बरसों से कुंवारा है वो, अकेला रहता है इसलिए पूरा खर्चा बच जाता है। जितना भी पैसा बचता है ना उसे सोने में इन्वेस्ट कर दिया है। करमणे, और वैसे भी सालों पहले अगर उसकी शादी हो गई होती ना तो उसको भी आटे दाल का भाव पता चल गया होता। कुछ भी, लेकिन आपने क्यों लिया संभालने के लिए? क्या हुआ? अरे जिस बैंक की ब्रांच में मेरा अकाउंट है ना, वो ब्रांच बंद हो गई, दूसरी जगह उन्होंने अकाउंट शिफ्ट कर लिया, लेकिन वहाँ पर लॉकर अवेलेबल नहीं है। ओ अच्छा। मुझे अभी रिपोर्टिंग के काम के लिए बाहर जाना है, आने में रात हो जाएगी, तब तक तू इसे संभाल के अपने पास अपने घर पर रख लेना। तो उसने बोला कि आज के दिन के लिए संभाल के रखो, जब भी वो वापस आएगा लेके जाएगा। लेकिन आप रखोगे कहाँ ये डिब्बा? कहाँ क्या, अपने घर की अलमारी के लॉकर में रख दूंगा। वो छोटा सा लॉकर है हमारा, उसमें ऑलरेडी एक डिब्बा है, उसको कहाँ रखेंगे? लेने से पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था ना आपने। एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा उसमें डिब्बा है, तो अभी क्या करे? एक काम करते ना माधवी, अलमारी में रख देते और उसको लॉक कर देते। नहीं, सोना क्या अकेले घर में पड़ा रहेगा क्या? अरे अकेला क्यों माधवी, हम दोनों हैं ना घर में। वाह, तो आप मंगेश काका की बेटी की मंगनी में नहीं आने वाले हैं, घर में रहने वाले हैं आप? आज है मंगनी। माँ, क्या हो गया आपकी याददाश्त को? मैं तो भूल ही गया था सच में, लेकिन कोई बात नहीं, अलमारी में रॉक करके चले जाएंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं भाई, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। हम लोग घर के बाहर रहेंगे, यहाँ कहीं चोरी वोरी हो गई तो? क्या माधवी, तुम कुछ भी सोच रही हो, और चोर को कहाँ पता है कि हमारे पास इतना सारा सोना है। हा? तुम ज्यादा सोचो मत, फटाफट मंगनी के लिए तैयार हो जा, कि मैं अलमारी में रखता हूँ। मीरे साहब, अब मंगनी में जा रहे हैं? आदमी ये कब आया? वाला कहे भाई, इसने सुना क्या? शायद। वीरा साहब, हम पूछ रहे हैं कि आप मंगनी में जा रहे हैं? हाँ। तो कब जा रहे हैं? अरे तुमको क्या लेना देना इससे भाई? वो हम कह रहे थे कि अब बाहर गांव जाएंगे ना तो घर खाली होगा ना, तो दूध कौन पिएगा? नहीं नहीं, कोई बाहर गांव नहीं जा रहे हम लोग, यही बाजू की सोसाइटी में ही जा रहे हैं। तुम ये बताओ तुम्हारा कैसे आना हो यहाँ पे? वो दूध के पैसे लेने के लिए। ओ अच्छा, कितने हुए? पिछले महीने का पूरे 1650 रुपए। अच्छा, वो कल आके लेके जाना, अभी थोड़ा जल्दी में हम लोग। ठीक है, ओके चलो। भीड़ साहब, डब्बा दिखाना। क्यों 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 क्यों? अरे हमारे गांव में, हमारे घर में सेम टू सेम ऐसे ही डब्बा है जिसमें हम सोने का गहना रखते हैं।
अच्छा, लेकिन इसमें कोई गहने नहीं है, ये तो खाली बॉक्स है। ये तो मैं माधवी के लिए बनवाया था मैंने। शोपीस है, शोपीस। हाँ शोपीस। ए, देखो तुमने जैसा बोला था ना वैसे ही मैंने बनवाया। ये डिजाइन देखो, ये औरत का डिजाइन कर भाई। एक हिरन बोला था तुमने, तीन तीन हिरन मिले। हाँ बस बस तो तुम निकलो अभी। हाँ कल आना। हाँ ठीक है। अच्छा डिब्बा देख लिया दूध वाले ने, सुन भी लिया। अब ये सब वो दूसरे को बताएंगे, दूसरा तीसरे को बताएगा, ऐसा करके बात फैल जाएगी और फिर चोरी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। देखिए मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तो अभी क्या करें माधवी? आप ना पोपट भौजी को बता दीजिए कि हमें मंगनी में जाना है, हम लोग घर पे नहीं है, तो आप डिब्बा वापस लेके जाइए। करता हूँ करता हूँ। बोल बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ फिक्र मत करो सब ठीक है। तुम कहाँ हो बोबड़लाल? मैं तो नासिक के लिए निकल गया। क्या तो क्या हुआ इसमें, इतना चौंकने वाली क्या बात है? तो भिड़ा मेरा वो सुनो, सेफ है ना? हाँ बिल्कुल सेफ है, चिंता मत करो। तो फिर तूने अचानक फोन क्यों किया? वो कॉल मैंने इसलिए किया वो। अरे सच सच बता भाई, टेंशन मत दे, मेरा काम में ध्यान नहीं रहेगा। हाँ वो बात दरअसल ये है कि तुम नासिक जा रहे हो ना, तो बहुत दूर है नासिक, इसलिए मैंने वो हैप्पी जर्नी बोलने के लिए फोन किया। हैप्पी जर्नी? अच्छा हाँ हाँ हैप्पी जर्नी, मेरा मतलब है थैंक यू थैंक यू। चल रखता हूँ भाई। और सुन तू मेरा वो बॉक्स का ध्यान रखना। ओके बाय 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 बाय। अहो ओ काय बाय बाय आणि हॅपी जर्नी करताय डोबल्याचं, उनको बोला क्यों नहीं आपने? अरे कैसे बोलता माधवी उसे, वो नासिक के लिए कब का निकल चुका है। अगर बोलता ना उसको टेंशन हो जाता और वापस आ जाता, उसकी नौकरी जा सकती है। माहिते नौकरी नहीं तो छोकरी ने, एक तो शादी भी नहीं हो रही है उसकी। अभी क्या करे? मी काय म्हणते, ये सोना है ना सोसाइटी में किसी जिम्मेदार इंसान के यहाँ रख दीजिए आप। अरे माधवी पूरी सोसाइटी में पोपटलाल एक मुझे ही जिम्मेदार इंसान मानता है, इसने मुझे ये सोना उसने रखने के लिए दिया है ना, अभी मेरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है मैं मंगनी में अकेली चली जाती हूँ, आप यहाँ जिम्मेदारी निभाइए और ये सोने का डिब्बा ऐसे पकड़ के बैठी है घर पे। माधवी माधवी नहीं 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 ऐसा नहीं कर सकते, मुझे भी आना पड़ेगा मंगनी में, नहीं तो मंगेश काका को बुरा लगेगा। रुको कुछ सोचते सोचते माधवी, हमें ये बॉक्स सोसाइटी में ऐसे आदमी के पास रखना पड़ेगा जो मजबूत हो और दमदार हो। दोस्तों हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े एक साथ तीन तीन मोर्चे संभालते हैं भाई। गोकुलधाम सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी हैं, बच्चों के शिक्षक हैं और अचार पापड़ का बिजनेस, लेकिन हर मोर्चे पे डट कर खड़े रहते। मेरी तो हाल खराब है भिड़े के बारे में सोच सोच के, क्या होगा बेचारे भिड़े का। भिड़े इस वक्त टेंशन में, प्रार्थना कीजिए भिड़े के लिए कि कुछ गड़बड़ ना हो। भाई सवाल बहुत सारे लेकिन जवाब लिखते हैं हंसी में, जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.